Hello students, hello everyone, this is Tushar Patel, your physics educator. Welcome on an academy. So this is the session of magnetic effect of electric current in one shot. आज के इस क्लास में मैं आपको वन शॉट में सिखाने वाला हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना इजी चैप्टर है. यस बच्चों, तो आज हम पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. ये देख सकते हैं आप बार मैग्नेट के बारे में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, देन कंपैरिजन ऑफ ऑल दिस थ्री इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, देन वी विल स्टडी फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड देन मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, एंड देन वी विल Just get clarification of all the end rules. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा session. This is going to be amazing session. साथ में दिएगा पहले से लेकर आखिरी तक वापस देखिएगा. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपकी टर्म टू में आपको 6 मार्क का, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है उतना ही इस चैप्टर का भी वेटेज दिया गया है. तो कंप्लीटली 6 मार्क्स सिर्फ ये अकेला चैप्टर आपको दे रहा है, समझ में आया, और दैट इज कंप्लीटली थियोरी. तो इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा रट्टा मारने से बेटर है कि ये सेशन को पूरा देखिए, समझ लीजिए, ताकि आप इजीली चीजों को याद रख पाए. समझ में आया? सो दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि लास्ट तक देखिएगा. ठीक है, पहले मैं आपको बार मैग्नेट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऐड देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के आसपास होती है, दैट इज फॉर वेरी मच क्लियर. मैग्नेट्स जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो नेचर से मिलते हैं हमें, और दूसरे जिसको एक्चुअली, एक हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट्स जो होते बेटा हमारे पास में, लेट्स से कि वी हैव सम मैग्नेट्स, एक होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं जिनको एक्चुअली हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं. ठीक है, जिसमें भगवान ने अंदर ही वैसे प्रॉपर्टी डाली है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके पास हमेशा होगी. दूसरा हम खुद बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विच इज मैन मेड या मैन मेड, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, तो ये मैग्नेट्स के बारे में तो आप थोड़े से ओ माय गॉड, मैंने देखो कैसे लिखा है, पर मैग्नेट्स नहीं होते, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. ओहो, परमानेंट मैग्नेट्स ये, तो अभी परमानेंट मैग्नेट्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उनको मैग्नेट कहना तभी ही पॉसिबल है जब उनके पास मैग्नेटिक फील्ड हो. एनीथिंग विच हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या उसके आसपास में वो खुद मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो मैग्नेट है. याद रहेगा बेटा, तो मैग्नेट बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत जरूरी है. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, हमें दिखती नहीं है, बट उसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं. इफ यू ब्रिंग टू मैग्नेट्स टुगेदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आप एक्चुअली उस अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर सकते हो. सो वो मैग्नेटिक फील्ड हम देख नहीं सकते, लेकिन हम पेपर पे कैसे बताएं कि भाई इस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके आसपास हम लाइंस बनाते हैं. ठीक है, लाइंस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये लाइंस हमें एक अंदाजा देती है कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऐसी है, यहाँ पे स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा लाइंस होगी तो, यहाँ वीक है मैग्नेटिक फील्ड, कम लाइंस होगी तो, मैग्नेट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ऐसा कुछ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको मैं इस पेज पे नहीं बट आगे बताऊंगा. आई होप कि आप समझ पाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हमारा बनाया हुआ कंसेप्ट है जहां पे हम इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं और हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी ऐसी है. तो ये देखो, बार मैग्नेट के आसपास आपने ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखी होगी, तो आप आराम से देख सकते हो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाती है, साउथ में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आ जाती है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है बेटा इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, कि दे नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टच करने की तो बात छोड़ी दो, मतलब टच तो करती नहीं इसलिए क्रॉस भी नहीं करती. समझ में आया? नेवर इंटरसेक्ट, समझ में आया? ये है कि ये लाइंस हर एक दूसरे को देखो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती.
अगर ये लाइंस क्राउडेड है, क्राउडेड लाइंस है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो लेस क्राउडेड हम बता सकते हैं, मतलब एक बता दिया ना तो बाकी दूसरे की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप में होती है, मतलब शुरू होती है तो खत्म भी वहीं पे होती है, क्लोज लूप। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स। सबसे पहली नॉर्थ टू साउथ होती है, दूसरी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तीसरी क्राउडेड वहां होती है जहां स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और तीसरा लास्ट वाला कि ये क्लोज लूप में होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई भी होती है क्या? देखो, नॉर्थ से निकलेगी, ऐसे जाएगी वापस घूम के इधर नॉर्थ के अंदर आ जाएगी, समझ में आ गया? क्लोज लूप में होती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है ऑब्वियसली, फिर अंदर जाने के लिए वापस साउथ से ही अंदर जाएगी, और तो वहीं से जा नहीं सकती। ऐसे क्लोज लूप तो हो गया। क्राउडेड, जहां पे क्राउडेड है ना, तो यहां स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां लेस क्राउडेड वीक मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स। आई होप कि मैं आप सभी को समझा पाया कि मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, ओ समझे कि नहीं? तो अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट डेफिनेटली उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो यू शुड बी ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम ग्रुप t.me/tusharpatel_academy। हियर इज अ लिंक ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप जो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी, है ना? ये मैंने कमेंट की होगी, आपको दिख जाएगा। और अगर आप कहीं पे भी अपनी टर्म टू को लेके अटक रहे हो और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मेरा अगले महीने मतलब फेब्रुआरी आपके लिए आ रहा है प्लस बैच, जिसमें आप एनरोल करिए, आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं ये सारे बैचेस में पढ़ने के लिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन आप मेरा कोड TP10 यूज कर सकते हैं सो दैट यू गेट सम डिस्काउंट। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको थोड़ा और पर्सनल अटेंशन मिले तो आप लीजिए आइकॉनिक, जिसमें आपको देते हैं पर्सनल मेंटर। मेंटर आपकी हर एक नीड का ध्यान रखता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हर एक चीज के लिए आपको गाइड करता है। वीकली रिपोर्ट देता है आपको कि भाई आपका इतना परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में अच्छा है, यहाँ पे वीक है, तो आप इम्प्रूव कर सको, समझ में आ रहा है? लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, सब कुछ आपको ये सब मिलेगा अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। TP10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया पब्लिक? आई होप आप सभी को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम अपना चैप्टर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में तो जान लिया कि कैसी होती है। अभी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, क्या वो रियल में हम देख सकते हैं कि ऐसी ही होती है? हाँ, देख सकते हैं। हम आयरन फिलिंग्स को ले ले, ये है आयरन फिलिंग्स, आयरन का कचरा, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, इन सबको ले लो, बाहर मैग्नेट को रख दो, आजू बाजू में सब इस तरह से अपने आप अलाइन हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो एक कैसा किया, कार्डबोर्ड पेपर रखा, उसमें आयरन फिलिंग्स रख दी, नीचे मैग्नेट रखा और उस कार्डबोर्ड पेपर को ऐसे थोड़ा सा शेक किया तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसे सब अलाइन हो गए। कैन यू गैस सी दिस? ऐसे है देखो, तो ये सारी चीजें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को आपको बता रहा है कि भाई मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स जो है क्लोज लूप में होती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमें इतना तो समझ गया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के आसपास होती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, उसे फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट तो आपको यहाँ पे नाम से ही जानना है पहले तो क्या है, फिर हम आगे देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या? कोई भी चार्ज, लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, तो हम कहते हैं कि इसमें से बेटा करंट फ्लो कर रहा है। हाँ कि ना? इसमें से हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है तो करंट आगे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है मोशन ऑफ चार्ज। तो एक सिंपल सी बात है, मूविंग चार्ज जो होता है ना, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। मूविंग चार्ज क्या करता है बेटा? अपने आसपास इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूसेस
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग चार्ज, इंड्यूस करना मतलब बनाना बेटा, ठीक है, इंड्यूस करना मतलब बनाना। तो ये क्यों होता है, तो ये प्रॉपर्टी है बेटा किसी भी चार्ज की, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करता है, इसी तरह एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि भाई चार्ज को अगर मूव करा दिया ना तो चार्ज के आसपास बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के आसपास क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना ये कब हो सकता है, जब चार्ज मूव करे, और मूव करते हुए चार्ज को याद करिए आप क्या बोलते हैं, आप उसी को तो करंट बोलते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट, समझ में, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फ्लो करना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूंगा, चार्ज जो होता है बेटा, लेट्स से कि हमारे पास क्यू चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ये चार्ज के बारे में, तो ये चार्ज लेट्स से कि हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे हमने अभी बार मैग्नेट पढ़ा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमने देखा ना उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड थी, ये फील्ड ही बताती है कि वो मैग्नेट है, उस तरह मैग्नेटिक फील्ड जैसे बताती है कि ये मैग्नेट है, उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती है कि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, समझ में आया। इसी को बेटर वे में डिफाइन करें कि चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनहेरिटेड होती है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं वो बना पाया तो चार्ज ही नहीं है ना, समझ में आया। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओ क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन अभी अगर वो चार्ज मूव करे, कोई भी मूविंग चार्ज जो होता है वो अगर वो मोशन में है कोई भी चार्ज, तो वो अपने साथ में दो फील्ड कैरी करता है, एक तो चार्ज है इसलिए उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, है ना, दिस इज कॉमन सेंस। लेकिन क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आसपास बना लेगा, कब, जब हम मूव करवा रहे हैं उसको, तो मूविंग चार्ज इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं है। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लेकिन मूविंग चार्ज के पास ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो याद रखिए चार्ज दोनों फील्ड क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। चलिए तो इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे एक सर्किट बताऊं, इस सर्किट में आप जरा इत्मीनान से देखेंगे तो यह है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, यह है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पॉजिटिव से करंट निकलेगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से हर जगह से जाएगा करंट, तो इसका मतलब हम सिर्फ अभी एज ऑफ नाउ इस पार्ट ऑफ दी वायर को ले, तो क्या इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ सर, करंट तो फ्लो कर रहा है सर, बराबर सर, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो आप आराम से समझ सकते हो कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होगी, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आजू बाजू ये मूविंग चार्ज की वजह से उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। एंड हियर्स द मैग्नेटिक फील्ड, कैन यू गैस सी दिस, ये जो सर्कल है ना वो सारे मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक चार्ज का मूव करना करंट फ्लो करवाता है और उसी की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चार्ज की प्रॉपर्टी है कि कभी भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधा वायर, तो ये अगर सीधा वायर है जिसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू रिंग्स में होगी, समझ में आया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन आप ये डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, तो उसको डायरेक्शन बताने के लिए आपके पास होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको एक सिंपल से बात समझाता है बेटा कि जब भी आपको करंट निकालना हो ना तो थंब से कहो कि करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, जहां करंट फ्लो करे वहां पे थंब आ जाए, तो ये जो कर्व फिंगर्स है ना बेटा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी, समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड उठाओ, आपको शायद लेफ्ट दिख रहा हो बिकॉज ये जो है ना मतलब स्क्रीन उसमें इन्वर्टेड इमेज आ रही है, तो राइट हैंड उठाया, कॉर्ड फिंगर ले ली, थंब ऊपर किया, तो थंब जहां ऊपर जा रहा है तो कॉर्ड फिंगर्स ऐसे आ रही है,
ठीक है, तो दैट इज व्हाट सेज कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। एक सेकंड, मैं आपके लिए थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं हेल्प करूँगा अपनी इमेज को इन्वर्ट करके। ठीक है, शायद मैं आपको थोड़ा सा अलग दिखूँ, बट ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ मैं अपने आप को 90 डिग्री, फ्लिप वर्ड हॉरिजॉन्टल। ओ ब्रो, तो अभी मैंने अपने आप को फ्लिप कर दिया, अभी मैं राइट हैंड ही उठा रहा हूँ। कैन यू गैस सी माई राइट हैंड? ठीक है, राइट हैंड रहा, करंट समझ लो ऊपर जा रहा है, तो मैंने ऊपर के डायरेक्शन में थंब रख दिया, कर्व फिंगर्स ऐसे आ गई, तो हम कर्व फिंगर्स के डायरेक्शन में लगी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप अभी बहुत इजिली इमेजिन भी कर पा रहे होगे, है ना, आप अभी काफी सफिशियंटली इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कुछ ऐसी होगी, है ना, ऐसी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कराता हूँ। राइट हैंड थंब रूल ये ऐसा है बेटा कि इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो आप बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? तो आपका क्लियर सा जवाब होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सर, वो आप यहाँ पे लूप में बनाओगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे सर्क्यूलर रिंग्स में। ठीक है, अभी वो रिंग में डायरेक्शन कैसे हो गए, तो रिंग तो बना लो पहले। ओ, मैं डायरेक्शन के साथ बना रहा हूँ, दैट इज नॉट गुड, जवाब आपको पहले ही मिल जाएगा वरना। ऐसे अभी ये थंब ऊपर है, कॉर्ड फिंगर लाओ ऐसे, तो राइट हैंड उठाया, थंब ऊपर, करंट ऊपर, इसलिए कॉर्ड फिंगर जो है ना वो ऐसे घूम रही है, तो मैं उसका डायरेक्शन यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई ऐसे डायरेक्शन से, समझ में आया? तो दिस इज वॉट मैग्नेटिक फील्ड इज। एक और वायर ऐसा है, तो ऐसे करंट जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? आपको पता है स्ट्रेट लाइन वायर में ऐसे लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, ऐसे लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप अभी इसमें सोच के बताओ कि थंब इधर जा रहा है, कॉर्ड फिंगर ऊपर से ऐसे आ रही है ना, तो इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, समझे, ऐसे बाहर से अंदर आती होगी, समझे कि नहीं? सो दिस इज व्हाट आई कैन से। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको समझा कि नहीं समझा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए भाई समझे। तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर होता है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। क्योंकि ये वन शॉट है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा सो दैट आपको एक ही लेक्चर में सब इंपॉर्टेंट बातें समझ जाए, आपको बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, जो इस वायर के आसपास बनी है, आप इस वायर से जितना दूर जाओगे ना बेटा, जितना आप डी डिस्टेंस दूर जाओगे, उतना ये मैग्नेटिक फील्ड आपको वीक लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड आप ही बताओ, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन या करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, कहाँ सबसे स्ट्रांगेस्ट होगी? यहाँ पे होगी, है ना, जहाँ पे नजदीक वायर के, दूर जाओगे उतनी वीक हो जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम यूजुअली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इस वायर में से कितना ज्यादा करंट जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा आपके लिए ये पिक्चर को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ओ मैंने गलत चीज रब कर दी, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे जो करंट है ना बेटा, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो डिपेंड करेगा करंट कितना स्ट्रांग है। जितना आप यहां से दूर जाओगे, वायर से जितना दूर जाओगे डिस्टेंस डी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी, समझ में आया? मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, समझ में आया? डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, ये करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, समझ में आया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस डी एंड करंट आई, याद रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या है? इट इज इन सर्क्यूलर लूप, समझ में आया? सर्क्यूलर लूप में है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं? सो एक सिंपल सी बात है, करंट फ्लो करेगा सीधे वायर में से, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कहाँ होगी, कैसे निकालता है, सब आपको इस स्लाइड में मिल गया। आई होप कि आप इस चीज को समझे, ठीक है। अभी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज लुक हियर, प्लीज लुक हियर गाइस, प्लीज लुक हियर, समझ लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट जा रहा है ऐसे ऊपर, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग दिस वे। तो आप मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी?
सीधा उंगली इधर किया ऐसे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, ऐसे बना सकता हो कि नहीं लूप में ऐसा? डायरेक्शन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वायर में सिर्फ इसी पॉइंट पे होगी क्या? नहीं, इधर भी होगी, इधर भी होगी, हर जगह होगी, लेकिन हर जगह बताते नहीं है, सो द डायग्राम बिकम रिमेन्स इजी, नीट एंड क्लीन और थोड़ा अच्छा रहे, लेकिन इस जगह पे भी तो होगी, समझ में आया? अभी आप इसी वायर को सॉरी, अगर आप अभी इस ही वायर को कन्वर्ट करो एक लूप में, मतलब आपके पास पहले एक ऐसा सीधा सा वायर था, आपने उसको ऐसे लूप बना दिया, समझे कि नहीं? तो बस उतना ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस वायर को एक ऐसा लूप बना दीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाऊंगा, ऐसा एक लूप बना दीजिए। तो जब आप इस वायर को ऐसे लूप में कन्वर्ट कर लेते हो, तो किसी भी वायर के किसी भी पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सर्क्यूलर है। तो आप इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर बनाओ, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर बनाओ, हर जगह सर्क्यूलर बन सकती है ना, नहीं समझे? तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लाए तो इधर भी सर्क्यूलर होगी, अगर इसको डायग्राम में बनाना चाहो तो ऐसी सर्क्यूलर लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी कि नहीं होगी, है कि ना? ऐसी, समझे? कुछ ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा, हाँ कि ना? तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो कराते हो और उस वायर को अगर सर्कुलर लूप में लेते हो, तो सर्कुलर लूप में आपके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड आपको देखो कैसी ऐसी तो दिख रही है, समझे कि नहीं समझे? दिस इज हाउ, थोड़ा सा इसमें आपको बेटर दिखेगा। देखो इस पॉइंट पे तो है ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इधर भी तो होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, हर जगह होगी, लेकिन हम बनाते सिर्फ दो ही जगह, समझ में आया? सो दैट इट रिमेन्स ईजी। ये दो अलग अलग व्यूज है, दो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो, यहां से आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, मतलब इन शॉर्ट यहां पे जो ये डायग्राम है, यू आर सीइंग द फ्रंट व्यू, यहां पे आप देख रहे हो टॉप व्यू, इसलिए, समझ में आया? तो भी मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स ऐसी होती हो तो समझ गया, लेकिन सर कहां नॉर्थ ले, कहां डायरेक्शन, एरो तो देना पड़ेगा सर, मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो आप इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है ना वो देखिए, करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके ग्रेट। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए मैं दो रूल बता रहा हूँ, एक मेरा ट्रिक है और एक एक्चुअली में रूल है, ठीक है? एक एक्चुअली में रूल है और एक ट्रिक है मेरा। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक ये है, यहां पे लिखता हूँ, ट्रिक इज ट्रिक ये है, आप लगाइए रिवर्स राइट हैंड थंब रूल। क्या लगाइए बेटा? रिवर्स राइट हैंड थंब रूल, रिवर्स राइट एंड, जो भी स्टूडेंट मेरे स्पेशल क्लास है प्लस क्लास से यहाँ पे आ रहे हैं, उनको वो उनको मैंने ये रूल का नाम दिया टीपी टर्न रूल, आप भी ऐसे याद रख लो। इसमें आप ना राइट हैंड थंब रूल के काम पलट दो, वहां पे थंब क्या दे रहा था? करंट, यहाँ पे थंब को बोलो मैग्नेटिक फील्ड देना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में भी स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल। वहां पे कर्व फिंगर क्या दे रही थी? करंट, रिकॉर्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रही थी, यहाँ पे बोलो उसको करंट देना है, क्योंकि करंट ही तो है जो कर्व में घूम रहा है यहाँ पे। तो राइट हैंड ही उठाओ, ट्रिक है बेटा ये, बुक में मत, एग्जाम में मत लिखिएगा। राइट हैंड उठाया, ऐसे घूम रहा है करंट, थंब कहाँ आया? ऊपर, तो ऊपर बनाइए नॉर्थ पोल, ऊपर आपका बन जाएगा बेटा नॉर्थ पोल। अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो वहां से लाइंस ऑफ फोर्स तो बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, आपको पता है ऑब्वियसली। अगर यहां से बाहर निकलेगी तो अंदर कहां से जाएगी? साउथ से। तो ये नीचे वाला पोल कौन सा हो गया बेटा? साउथ पोल। क्या आपको समझा बेटा? दिस इज सो मच इजी, ओके? सो ये है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का तरीका, किस तरह से ये होता है, याद रहेगा आप सभी को बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से डायरेक्शंस दे सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअली एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ, ठीक है? एग्जाम में क्या लिखना है उसको समझाने के लिए, ओ हो, तो आपको कोशिश की जाती है कि कैसे एग्जाम में आप क्या लिखोगे, तो चलिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। ओ, एग्जाम में क्या मैंने बोला वो रिवर्स राइट हैंड थंब रूल चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको रिवर्स राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक है? वो वो वो, ठीक है बच्चों? चलो तो अभी मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम में जो लिखना है, बुक में जो है वो सिखा रहा हूं,
ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से पूरा समझिएगा साथ में। ये जो है ना लूप को आप सामने से देखो, टॉप से देखो मतलब, तो करंट इस लूप में दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। करंट इस लूप में दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, पहला तो सॉरी मैं लूप को थोड़ा सा बड़ा करता हूं थोड़ी देर के लिए, सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। ऐसे चलो इधर देखो, ये भी अच्छा नहीं बना, नहीं साथ में नहीं है, तो ये हमने बच्चे बोले सर डायरेक्टली ले लो ना, ऐसा नहीं लेना नहीं अपने को, जिद है अपन करेगा। तो इसमें ना करंट दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते बेटा? क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख गया, अगर आपको करंट कैसा दिख गया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट डू आई मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज में करंट जाता है यहां से ऊपर, यहां से ऐसे नीचे, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज में कैसे जाएगा? यहां से नीचे, ठीक है, और यहां से ऊपर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझा इतना। तो आपका डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो जरा ध्यान से देखिएगा, वो इस कलर से नहीं हम देखेंगे, हम इस कलर से देखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो देख रहे हो आप, आपको क्या नंबर दिख रहा है, मतलब कौन सा पोल दिख रहा है, नॉर्थ एन दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं कि इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको एन बना के दे रहा है, मतलब आप जहां से देख रहे हो ना वहां होगा नॉर्थ पोल, समझ में? आपकी साइड पे नॉर्थ पोल होगा क्योंकि आपको एन दिख रहा है। इसी तरह क्लॉकवाइज में ना आप अगर इत्मीनान से देखे तो आपको क्या दिख रहा है? साउथ दिख रहा है, मतलब अगर करंट सामने वाले लूप में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आप जहां से देख रहे हो उस डायरेक्शन, उस तरफ साउथ है। ऑब्वियसली अपोजिट साइड तो नॉर्थ होगा ना। इसका मतलब ये रहा कि आप जरा यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देखिएगा है ना, यहां है वो लूप, मैं ऐसे देख रहा हूं, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज में आप स्क्रीन पे देख के बताइए, आपको एस दिखता है ना? क्लॉकवाइज में आपको एस दिखता है, तो यहां होगा साउथ पोल, क्योंकि जहां एस मुझे दिख रहा है तो मेरे यहां से एस दिख रहा है, इसलिए यहां साउथ होगा, यहां नॉर्थ होगा, अपने समझ में आया? एक और, एक और, एक और, अगर समझ लो इस लूप में एंटी क्लॉक करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉक में मुझे दिखता है नॉर्थ, तो मैं जहां से देख रहा हूं वहां होगा नॉर्थ, पीछे होगा साउथ, समझ गए? इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। थोड़ा सा इसको 3D में अगर आप देखोगे, इसलिए मैं इस सर्कल को बड़ा कर रहा था, तो 3D में अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है लूप, है ना? तो भी आप अगर समझ लो यहां से उसको देख रहे हो और इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉक, तो आप यहां पे देख रहे हो नॉर्थ बना कि नहीं, तो यहां पे होगा नॉर्थ पोल, इस जगह नॉर्थ पोल होगा, तो आप जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको दिखेगी ऐसी, जो भी आपको यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखेगी ऐसी, तो आप उसको यहां पे नॉर्थ है ना बेटा, तो नॉर्थ के लिए यहां से एरो बाहर दे दोगे और जहां पे नहीं है वहां पे अंदर दे दोगे, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसी तरह से आपको नॉर्थ कहाँ है वहां एरो बाहर देना है, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है बच्चों? और सिमिलरली आप अगर यहां देखो बेटा, तो इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हो क्लॉकवाइज, तो कैन यू जस्ट सी देर इज एस विच यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, तो यहां होगा साउथ पोल, अगर आप यहां से देख रहे हो, समझ में आया? इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, क्लॉक फेस रूल, समझ में आया कि नहीं? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां नॉर्थ होता है ना वहां से लाइंस बाहर निकलती है, इतना याद रखिए। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, समझ में आया? सर्क्यूलर लूप के अंदर, याद रखिए इसको। अभी हमने पढ़ भी लिया कि बेटा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन के आसपास कैसी थी, अभी सर्कुलर लूप के आसपास कैसी है,
लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, अगर ये सर्कुलर लूप जो है ना बेटा, ये सर्कुलर लूप अगर थिक होता, अगर ये सर्कुलर लूप बहुत थिक होता, ठीक है, ये काफी थिक अगर लूप होता, तो आप मुझे जरा मदद करिए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती। ठीक है, ये बहुत थिक है ना अभी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अभी सिमिलर ही दिखती, बट ऐसी दिखती है कि नहीं? आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती यहां पे, थोड़ी ऐसी स्ट्रेच हो जाती, आप मानते हैं कि नहीं? ओ, थोड़ा सा गंदा बना रहा हूं डायग्राम। तो ऐसे स्ट्रेच हो जाती, बराबर है कि नहीं? हाँ कि ना? अब बोलते सर यही वायर जो था ना हमारे पास बेटा, ये वायर उसी को हमने थिक बना दिया, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखी। एक्चुअली जो ये थिक वायर है ना, एक्चुअली जो ये थिक वायर है, अगर आप इमेजिन कर पाए तो वो आपके लिए बन सकता है एक रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग। आप पूरी रिंग को एक एकदम मर्ज कर दो एक के साथ एक। नहीं समझा क्या? आपको दिखाता हूँ सोलेनोइड कैसा दिखता है। सोलेनोइड अपियर समथिंग लाइक दिस। कोई आप इतना जो, ये तो बुक है बेटा, बुक में तो एकदम 3D बना सकते हैं, एकदम मस्त में बना सकते हैं। कैन यू गैस जस्ट सी दिस? ऐसा होता है सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड का देख रहे हो सारा मैग्नेटिक, मतलब ये वायर के नीचे वायर। तो आप ये एक ही वायर होता या एन नंबर ऑफ वायर्स वाइंडेड है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? सो दिस इज वॉट इज मैग्नेट, मतलब आपका सोलेनॉइड है। तो भाई सोलेनॉइड इज रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग, रिंग के नीचे रिंग। तो आई होप कि आप समझ पाए, इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, कॉइल भी बोलते कभी कभी। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बेटा? मैंने जो रिंग के लिए आपको पढ़ाया एग्जैक्टली सेम सब कुछ लग जाता है सोलेनॉइड के लिए, क्योंकि सोलेनॉइड इज नथिंग बट थिक रिंग। जिसको ये समझ गया ना, उसने एक्चुअली ये चैप्टर को क्रैक कर लिया है। आप अगर, आपको ये चीज समझी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सर क्रैक्ड इट। समझ में आया? सो लेट्स क्रैक फर्दर। आई होप कि आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए। अभी ये है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक नमूना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। तो आप मेरा ट्रिक लगा सकते हो, एक या तो रिवर्स राइट हैंड थंब रूल वाला, राइट हैंड थंब रूल जो था उसमें कहा था थंब करंट देगा, कॉर्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देगी। लेकिन आप रिवर्स राइट हैंड थंब रूल में थंब को दे देते हो मैग्नेटिक फील्ड और कॉर्ड फिंगर्स को दे देते हो करंट, है ना? रिवर्स राइट हैंड थंब रूल याद रखो, टीपी टेन रूल। तो बस, तो ऐसे अभी यहाँ पे करंट ऐसे अंदर जा रहा है ना, तो थंब आया नीचे, इसका मतलब नीचे क्या होगा? नॉर्थ पोल। अगर नीचे नॉर्थ है तो ऊपर क्या हो गया बाई डिफॉल्ट? साउथ। नॉर्थ से लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है? बाहर निकलती है। समझ में आया कि नहीं? नॉर्थ से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, तो साउथ में क्या होती है? अंदर घुस जाती है। यस, वेरी नाइस, समझे? सो इस तरह आप ले सकते हो। ये तो मैंने रिवर्स राइट एंड थंब रूल ट्रिक से आपको बताया। आप क्लॉक फेस रूल भी ले सकते हो। आप जरा यहाँ पे टॉप व्यू इमेजिन करिए कैसा होगा, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये एक्चुअली में बन क्या रहा है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायरेक्शन क्या है बेटा। ये डायरेक्शन जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा डायरेक्शन है, तो ऐसे देखूं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे। समझ में आ गया? क्योंकि मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो ना बेटा, आपको ये एस दिख रहा है कि नहीं? अपने आप ऐसे ही बन जाएगा। तो आपको ये जो एस दिख रहा होगा तो यहाँ होगा साउथ। समझ में आया कि नहीं? क्लॉकवाइज है इसलिए। तो इस तरह से भी आप ले सकते हो, साउथ होगा तो वहां से लाइंस अंदर जाने दो। ऐसा सिंपल है, सोलेनोइड इज नथिंग क्रिटिकल। लेकिन सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड आपने जरा इमेजिन करके देखे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड है ना, उसके जैसी ही सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट भी बनाता है। कौन बनाता है बेटा? सेम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट, लेकिन दोनों में कुछ तफावत है। पहला तफावत, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द वेरी फर्स्ट डिफरेंसेस, यहां पे लिख नहीं पाएगी, ऊपर नीचे ही लिखते हैं।
ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है बेटा कि ये इलेक्ट सॉलिनॉइड जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या हम कह सकते हैं टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक उसमें से करंट फ्लो करेगा तब तक उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब उसमें करंट बन गया हट गया तो मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी। बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक्चुअली टेम्पररी मैग्नेट होता है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ना वो एक्चुअली, अभी क्या बोलूं, परमानेंट ही तो है, समझ में आया कि नहीं। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिमिलर है, बस ये अंदर से हॉलो होता है तो आप अंदर की लाइंस ऑफ फोर्स देख पा रहे हो। तो अभी इससे काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, काफी बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये है कि आप अंदर जो ये लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हो कितनी सीधी है, एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना, एकदम स्ट्रेट लाइंस है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है स्ट्रेट लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड आर इन, अंदर जो है ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसी है? स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म, समझ में आया? स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ? अंदर, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनोइड, याद रखेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड है बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न से, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोलेनोइड के अंदर, उसमें से करंट कितना जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि बेटा उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आप ये सर्कल देख रहे हो बेटा, ये सर्कल होगा ना यहाँ पे, उस सर्कल का एरिया कितना है उस एरिया के ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तीन फैक्टर्स के ऊपर प्योरली डिपेंड करती है। पहला होगा कि कितने स्ट्रांग है, बताएगा नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा कि मैग्नेटिक करंट, और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है कि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। अभी आप यहाँ पे तीनों के तीनों को कंपेयर कर सकते हो। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, सर्कुलर लूप, या ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलेनोइड। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए। अभी यहां आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी याद रखना है। एक्स्ट्रा मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सर्कुलर लूप की जैसी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट को, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू दिस डिस्टेंस डी। डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप याद रखें। ठीक है, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्या होगी? तो सेंटर पे ना, सेंटर पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो, सेंटर पे स्ट्रॉन्ग भी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ बेटा? सेंटर पे, याद रखिए इसको। दूसरा, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आप इसको याद रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट से। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस से। आप इसका रेडियस जितना दूर, रेडियस जितना बड़ा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर तक आने के लिए बड़ा होते बढ़ना, मतलब आप ऐसा मान लो कि सेंटर जितना दूर होगा उतना वायर से वो पॉइंट दूर है, और जितना हम वायर से दूर होते हैं उतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, समझ में आया कि नहीं?
तो इसी तरह से ये होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में बेटा आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहां पे, यहां वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म एज वेल, वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैं बार मैग ये सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म तो है ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यहां पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, अभी रूल्स बता देता हूँ कि किसमें कौन से रूल्स हम डायरेक्शन देते हैं। तो बेटा यहाँ जो है ना, स्ट्रेट कंडक्टर में हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसमें लगाते हैं हम क्लॉक फेस रूल। ओ याद है, नॉर्थ वाला साउथ वाला, हाँ क्लॉक फेस रूल। यहां पे भी हम सॉलिनॉइड में भी लगा सकते हैं क्लॉक फेस रूल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री मैग्नेटिक फील्ड। याद रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें, साथ में याद रहे। ठीक है, स्ट्रेट वायर था, उसको कर्व कर दिया, लूप बन गया, लूप के साथ लूप को जोड़ दिया, सॉलिनॉइड बन गया। समझ में आया कि नहीं पब्लिक? दिस इज वेरी इजी, एक बार समझ लो पूरा काम खत्म हो जाता है तमाम। समझ में आया कि नहीं यार? तो थोड़ा बहुत आपको इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, काफी सारी चीज है, बट आई नो यू गाइज विल बी एबल टू मेक इट, मेक इट। चलो आई होप आप सभी को समझा। तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें समझ ली है। अभी है हमारा अगला टॉपिक, विच इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, नाउ वी आर स्टडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या होती है वो, उसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास बैटरी, बैटरी मल्टीपल सेल को बैटरी बोलते हैं। यहाँ से करंट निकलेगा, हाँ इसमें से जाएगा, हाँ इसमें से जाएगा, हाँ इधर जाएगा, ये गया। अभी क्या ये करंट इस हमारे कंडक्टर ए बी में से जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। किसी भी कंडक्टर में से जब करंट जाता है तो उसके आजू बाजू क्या बन जाती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या आप मानते हो ए बी जो कंडक्टर है उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनी है? हाँ ऑब्वियस है सर, किसी भी करंट, किसी भी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी अगर उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो हमारा जो करंट था वो तो एक्चुअली फ्लो हुआ ही है, इतना गंदा भी नहीं हुआ। हमारा जो करंट था वो यहाँ पे फ्लो हुआ ही है, इसमें से ए बी में से गया और फिर यहाँ पे क्लोज लूप हो गया। इन शॉर्ट कि ए जो ए बी है ना उसमें से करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ए बी में से करंट फ्लो हुआ। तो जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मतलब ये ए बी जो है ना वो खुद ही एक मैग्नेट है। डू यू अग्री विद मी और नॉट? यस। इसमें से वायर में से मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर में से करंट फ्लो, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन गई। समझ में आया? तो ये तो आपको समझ में आया। अभी यहां पे हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आए। एक्सटर्नल मैग्नेट मतलब दूर बाहर का एक मैग्नेट लेके आए। ये एक्सटर्नल मैग्नेट आपको क्या देगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देगा, बराबर है? तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे ऊपर दे रहा है। समझ में आया? बी मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको बी मत बोलिए, इसको ए मत बोलिए, हम सिंपली उसको रॉड बोलेंगे। तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है ना? करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है, ये करंट ऐसा, एक्चुअली आप 3D डायग्राम है ना, आप सामने देखोगे तो करंट ऐसा बाहर आता हुआ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर है। तो सिंपल सा कहना है मेरा कि अगर इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वायर खुद ही एक मैग्नेट है, और उसके बाजू में हम एक और मैग्नेट लेके आए, तो दो मैग्नेट तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है उसी की तो फोर्स निकालते हैं, उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वायर के ऊपर फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को निकालते हैं हम यहाँ पे, बट इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? तो अगर मैं आपको बोलूं
उसको निकाला कैसे जाता है? तो उसको निकाला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे निकाला जाता है बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझना पड़ता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जान लेते हैं पहले। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चलो, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, उसमें थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को ऐसे अलाइन करिए जिसमें तीनों परपेंडिकुलर हो। थंब एंड फर्स्ट फिंगर परपेंडिकुलर, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर परपेंडिकुलर, एंड सेकेंड फिंगर एंड थम परपेंडिकुलर, सेकेंड फिंगर एंड थम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं ना, सेकेंड फिंगर एंड थम। समझ में आया कि नहीं? थम वन से फर्स्ट, थम ऐसा है ना बेटा, परपेंडिकुलर है तीनों, ठीक है? तो आपको समझना है कि बेटा तीनों ले लिया हमने, तीनों को परपेंडिकुलर सेटअप कर दिया। तो ये है हमारा थम, ये है फर्स्ट फिंगर, यह है सेकेंड फिंगर। तो आप इन तीनों को अलाइन कर लीजिए ऐसे परपेंडिकुलरली। सिंपल सा रूल ऐसा कहता है बेटा कि थंब जो है वो आपको कोई भी पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन देगा। एफ मतलब फोर्स। फर्स्ट फिंगर जो है ना आपको, वो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। किसका बेटा? थर्ड सेकेंड फिंगर जो है ना बेटा, वो आपको आई मतलब करंट का डायरेक्शन देंगे। किसका बेटा? करंट। तो बस यही अपने को अप्लाई करना है। तो आप अपने पेन उठाइए और अपने हाथों पे मेरे जैसा काम कर सकता है, जिससे ये याद इजीली रह जाता है। लेफ्ट हैंड उठाया, लेफ्ट हैंड पे लिखे यहां पे, थंब पे लिखे एफ। देखो मैंने लिख लिया थंब पे एफ। फर्स्ट फिंगर पे लिखिए बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी माने तो मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने बी लिख लिया फर्स्ट फिंगर पे। सेकंड फिंगर पे लिखिए आई, आई ये भी लिख लिया मैंने आई, ठीक है? तो मैंने एफ बी आई ये तीनों लिख लिया, तीनों को परपेंडिकुलर लिख दूसरे से सेटअप कर दिया। अभी मुझे सिर्फ ये अप्लाई करना है, समझ में आया? तो याद रखें FBI आपको पता होना चाहिए, जैसे CID होता है इंडिया में, वैसे फॉरेन में FBI होता है, मतलब अमेरिका में FBI होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ पे आप जरा मुझे सोच के बताओ कि करंट कहाँ है। एक मिनट, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसा सर, वो तो आउटवर्ड है करंट ना, 3D डायग्राम इसलिए, बट ये है तो करंट आउटवर्ड। तो करंट को आउटवर्ड लीजिए, एफ बी आई, आई मतलब करंट, करंट को लिया आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब स्क्रीन में से बाहर आना चाहिए, तो मैंने करंट को मेरी तरफ ले लिया क्योंकि स्क्रीन में से बाहर आना चाहिए। करंट अगर आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर सेटअप किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन पलट जाए। करंट अभी मेरे तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। थंब कहाँ आया? थंब कहाँ आया? आप जरा देखिए थंब कहाँ आया। तो थंब जहां आया ना, वहां इस कंडक्टर को फोर्स लगेगा। समझा? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको मैंने समझाया था कि Whenever there is a current carrying conductor in a magnetic field, ये है एक अपना current carrying conductor जो एक magnet के आसपास बैठा है, इसलिए उसके ऊपर force लगेगी और उस force का direction आपको दिया जाएगा Fleming's left hand rule से। तो मैं आपको एक line लिखा रहा हूँ बेटा, dictate कर रहा हूँ, please उसको लिखिए, आपके लिए better रहेगा, ठीक है? आप ये जहाँ पे लिखोगे ना Fleming's left hand rule, वहाँ पे एक line ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको dictate कर रहा हूँ, please अपनी notebook में लिखिए, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि best notes बनाए आप अपने लिए। लाइन ये है, वेन एवर देर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वेन एवर देर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सो इट बिकम्स मैग्नेट, सो कंडक्टर बिकम्स मैग्नेट, ऐसा लिख लीजिए। सो कंडक्टर बिकम्स मैग्नेट। अभी नेक्स्ट लाइन,
वेन एवर करंट कैरिंग मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर, नेक्स्ट लाइन लिखना है, वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसमें से करंट जा रहा है उसको हम अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ऐसा लिखा है मैंने, समझा? व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस व्हाट? अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो पता ही आपको। एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ऐसा लिखिएगा प्लीज, ओके? वो भी मैं आपको करा रहा हूं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा, बी माने तो मैग्नेटिक फील्ड, आई माने तो करंट, एल माने तो लेंथ, ठीक है? तो मना दो अभी फिर तो बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई मतलब करंट होता है, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर होता है, और थीटा बोलता है इज द एंगल बिटवीन बी एंड आई। अभी आई के साथ डायरेक्शन ले रहा हूं बट एक्चुअली लेंथ के साथ होता है, आपको ट्वेल्थ में समझा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, मतलब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक्स्ट्रा है समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी, करंट स्ट्रांग होगा तो भी फोर्स ज्यादा लगेगी, लेंथ बड़ा लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो भी फोर्स ज्यादा होगी। साइन जीरो जीरो डिग्री, साइन जीरो 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 इंटेंसिंग जीरो, फोर्स लगेगी नहीं, बी फोर्स बिकम जीरो। साइन 90 मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट 90 डिग्री पे है, साइन 91 मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये पूरा आंसर जो होगा वही फोर्स होगी, मतलब फोर्स विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री, समझ में आया? तो ये आपको आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी व्हेन थीटा इज 90। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एफ इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट। F is minimum when theta is 0 degree, when magnetic field is parallel to current, wire के parallel या current के parallel, whatever you say। ये मैंने आपको थोड़ा extra knowledge दिया, शायद आपको higher level पढ़ने के लिए easy पड़े, इसलिए समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो whenever there is a current carrying conductor placed inside external magnetic field, it will experience a force whose direction is given by Fleming's left hand rule and whose magnitude will be given by force is equal to BIL sin theta। I hope मैं आपको समझा पाया, समझ में आया कि नहीं? अभी है काफी important concept जिसको हम कहते हैं electric motor, motor ये helicopter नहीं है, motor है, समझ में आया? तो अभी हम motor पढ़ने वाले, बहुत ही मस्त है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मोटर में ना एक्चुअली आपको वर्किंग पढ़ना होता है, याद करना होता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे बनाया, कंस्ट्रक्शन, उसे भी याद करना होता है, तो काफी इजी है, थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ तो समझ जाएगा। ये है एक सेल या बैटरी जहां से हमने कनेक्टिंग वायर्स लगा के यहाँ पे दे दिए। अब ये कनेक्टिंग वायर्स एक्चुअली एक लूप को, ये है रेक्टेंगुलर लूप जो रोटेट करेगा, वो रेक्टेंगुलर लूप है ये, ठीक है? और उसके बाजू में हमने लगा दिए परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है? इतनी चीजें आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, बाकी देखेंगे बाद में। सेल या बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, सर्कुलर लूप और परमानेंट मैग्नेट्स। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये लाल वाला बीच में क्या है, थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करो, समझो कि वो था ही नहीं, वो है भी नहीं, ठीक है? जरूरत पड़ेगी तो उसको लाएंगे बीच में। तो अभी के लिए हम ये समझ पाए कि हमारे पास में एक लूप है, ये सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल है जो रोटेट करने वाली है, ठीक है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है सर। करंट ये पॉजिटिव से निकलेगा, करंट इधर जाएगा, फिर 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 इधर आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर वापस चला जाएगा और इधर सर्किट कंप्लीट कर देगा, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ इसी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, हम इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप को दो हाफ में तोड़ सकते ना, एक ये ब्रांच हो गई
और एक ये ब्रांच हो गई, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही पार्ट ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या, अभी क्या इस वायर में से, क्या इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं? हाँ बनेगी, अभी आपको लिखा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इसका मतलब, हाँ सर है। और उसके आजू बाजू देखो दो मैग्नेट्स भी बैठे हैं, हाँ वो भी है सर। तो वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन कौन है ऐसा, वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, यहां पे दिख रहे हो कि नहीं, ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इज प्रेजेंट इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, ये बार मैग्नेट्स दे रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ लगेगी सर, लगेगी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमारे पास ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, जो एक एक्चुअली नॉर्थ से साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड में बैठा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी वो निकालते हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालने का तरीका बताओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, फोर्स पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहां है नॉर्थ टू साउथ, मतलब आप ऐसे ले सकते हो नॉर्थ टू साउथ, बराबर है। करंट कहाँ है, वो तो सर ऐसे है, तो स्क्रीन के अंदर आ रहा है ना, एक्चुअली स्क्रीन के अंदर करंट आ गया, देखो जा रहा है स्क्रीन के अंदर जा रहा है मेरे लिए। तो आप भी अपना आप लगाने की ट्राई करो बेटा, बिना ट्राई किए कभी नहीं आएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट कहाँ है, थंब, थंब कहाँ है, नीचे, थंब मतलब फोर्स, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, डाउनवर्ड, समझ में, फोर्स विल बी अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि ये जो ये रॉड है ना सर, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों अटैच्ड है एक दूसरे से, ऐसा है ना, ये तो ऐसा, तो अगर ये दोनों अटैच्ड है तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये अपने आप ऊपर होकर ऐसे हो जाएगा, नहीं समझे क्या? तो ये इसी को अकेले को पढ़ा, इसको अकेले को पढ़ो तो नीचे ऐसे होगा, समझ में आया? तो समझ लो कि ये अभी ना ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, यहां आ गया। तो आप एक्चुअली मेरे हाथ को कनेक्टिंग वायर के जैसे देखो, तो अगर मैं ये कनेक्टिंग वायर को देखो, तो कनेक्टिंग वायर तो ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो कनेक्टिंग वायर एक दूसरे के साथ कैसे ऐसे हो जाएगा, आप समझ पा रहे? तो वो ना हो, और दूसरा एक प्रॉब्लम भी हो जाता है, समझ लो कि थोड़ी देर बाद आप जो कह रहे हो ना सर, वो सब सही हो गया है ना सर, आप जो कहते हो वो सब सही हो गया, थोड़ी देर बाद में ये जो हमारा साइड है, ठीक है, वो क्या थोड़ी देर बाद में ये साइड एक्चुअली यहां आ जाएगा आधा घूम के, उल्टा होके, है ना? तो मुझे बताओ ये किससे कनेक्टेड था, पॉजिटिव से? अभी जब वो पलट के इधर आ जाएगा तो भी तो वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि वो पॉजिटिव से टच में है, एकदम आपने उसको जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ में, यहां पे आ जाएगा फिर भी वो पॉजिटिव से आएगा ना भाई, समझ में आ रहा है? तो अगर वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां है तो करंट इसमें यहां था, लेकिन अगर यही ब्रांच इधर आ गई तो अभी पॉजिटिव इधर बोला जाएगा ना, तो यहां से करंट ऐसे जाएगा ना, तो अभी उस ब्रांच में वापस आप लगाइए क्या बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्यों? क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे, ब्रांच है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी नॉर्थ साउथ ऐसे, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही है, करंट अभी आगे जा रहा है, थंब नीचे आ गया, मतलब ये अभी नीचे जाएगा ये लूप, तो पहले ये तो नीचे ही जा रहा था यहाँ पे, अभी ये भी नीचे जा रहा है, मतलब ऐसा कह रहा हूं मैं आपको कि ये जो है ना ऐसा था, तो ये वाला जो ब्रांच है वो नीचे गया, अभी मैंने वापस यहाँ पे आके देखा तो ये वापस नीचे आ रहा है, तो आपका एक्चुअली ब्रांच ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा घूम रहा है आपका रोटर, प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे घूमना मतलब कोई भी मोटर हमारा आधा ही सर्कल कंप्लीट कर, उसको थोड़ी मोटर बोलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि हर आधे डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, एक बार वो आधा घूम लिया ना, एक बार उसने हाफ घूम लिया, उसके बाद ना अगर करंट ऐसे का ऐसा रहेगा, इसमें करंट ऐसे है, ये जब इधर आ गया तो करंट अभी भी अगर ऐसे रहेगा तो ये वापस आ जाएगा, जैसा था वैसा ही आए होगा, लेकिन अगर मैं उसको इधर लाने के बाद करंट को उल्टा कर दूं, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी है, करंट मेरे तरफ हो गया, थंब ऊपर आ, फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा अभी, तो ऐसे जाएगा,
नहीं समझा, तो ऐसे नीचे से ऐसे गया, फिर ऊपर से ऐसे गया, तो अल्टीमेटली अभी आप देखोगे तो ये दो थे, तो पहले इसके ऊपर फोर्स नीचे थी, अभी ऐसे हो गई, तो पहले ऐसे हो रहा था बार बार, क्योंकि फोर्स उधर भी नीचे इधर भी नीचे, लेकिन अभी ऐसे पूरा घूमने के बाद फोर्स पलट ली, क्योंकि तुमने करंट का डायरेक्शन पलट लिया, करंट का डायरेक्शन पलटा, अभी वापस ऐसे, करंट पलटा वापस ऐसे, समझे ये कैसे किया जाता है करंट का डायरेक्शन पलटने का काम। तो जब ये ब्रांच इधर आ जाएगी है ना घूम के, तो उसको हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव के साथ में, तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे, फिर ये ब्रांच इधर आ जाएगी तो उसको वापस हम कर लेंगे पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट। ऐसा करने के लिए हमने बीच में ऐसे दो सिलेंडर लगाया है, सिलेंडर मतलब कुछ ऐसा है, तो इससे क्या होगा कि ऐसे घूम के आ गया ना, तो ये इधर आ गया और उधर आ गया, तो ये वाली साइड जो है वो इधर आ जाएगी, तो अपने आप वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो गई ना, समझे। तो ये काम है स्प्लिट रिंग का, स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसको, ये जो हमने दो रिंग लगाई है उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर के जैसा काम करता है वो मानते हैं, कम्यूटेटर मतलब हर आधे करंट, हर आधे घूमने के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट पलट देने का, मतलब इस साइड जो भी होगा ना उसको हमेशा नेगेटिव से कनेक्टेड रखो, इस साइड जो भी होगा ना उसको हमेशा पॉजिटिव से कनेक्टेड रखो, ये काम होता है स्प्लिट रिंग का। आई होप मैं आपको समझा पाया। लेकिन हम ना ये स्प्लिट रिंग को डायरेक्टली ना इस वायर से जोड़ नहीं देते, बीच में कुछ लगाते हैं जिसका नाम है कार्बन ब्रशेस। क्या बोलते बेटा उसको? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस मतलब क्या, समझ लो कि मेरे पास ये कॉम है, ये कॉम जो है आप डेफिनेटली इसको देख पा रहे हो कि ये कॉम है, ये कॉम जो है अगर मैं इस वायर के साथ चिपका दूं, मतलब अगर समझ लो मैंने इसका ऐसा चिपकाया होता वायर को, तो ये अगर घूमता तो वायर भी ऐसा घूमता ना, लेकिन अब ये कॉम के वजह से क्या हुआ, एक कॉन्टेक्ट बना, लेकिन मैं इसको ऐसा रोटेट करूंगा ना तो ये कांटेक्ट भी रहेगा, मेरा हाथ अगर घूमेगा भी तो कॉम हमेशा टच में रहेगा, कॉम घूमेगा नहीं, समझ में। ब्रश के जैसा कुछ लगा दिया आपने जिसकी वजह से वो घूम नहीं रहा है, वो हमेशा आपके कांटेक्ट में सपोर्ट दे रहा है। इससे मैं आपको ये समझा सकता हूं, ठीक है, इससे मैं आपको ये समझा सकता हूं कि कॉम, ये जो कार्बन ब्रशेज है ना वो एक्चुअली परमानेंट कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्प्लिटरिंग इधर हो जाए कि घूम के इधर आ जाए तो भी, ठीक है। तो आपको समझ गया क्या क्या चीज है, तो एक बार हम जॉट डाउन कर लेते हैं, सारी लिस्ट बनाते हैं क्या क्या चीजों से हम मोटर बना सकते हैं। मोटर बनाने के लिए साधन सामग्री क्या लगती है, तो 1 टीस्पून स्प्लिटरिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा, हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है ना, परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स तो लगेंगे, जो ये रहे जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, आपको लगेगा रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट लगेगा डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई मतलब सेल या बैटरी, ठीक है। फिर आपको लगेगी स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट करती है ना वो, एक रिंग है पूरी उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट रिंग्स। नेक्स्ट लगेगा हमें कार्बन ब्रशेस, और एक्चुअली एक्स्ट्रा में हम ना यहाँ पे बीच में ना एक रॉड से लगा देते हैं, रॉड, आपने कभी अगर मोटर गलती से घर पे देखी हो तो रॉड लगा देते बीच में, रॉड, तो रॉड एक्सेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम ऐसा अभी के लिए लिख रहा हूं मैं एक्सेल, एक्सेल मतलब एक एक्सेस जिसके आसपास सब घूम रहा है पूरा मोटर, आपने देखा होगा एक्सेल बोलते उसको, और कनेक्टिंग वायर्स, समझा। इतनी चीजें लगती है आपको मोटर बनाने के लिए। व्हाट डज मोटर डू? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर का बहुत एप्लीकेशन है यार, आप अपने घर में पंखा चला रहे हो वही मोटर से चल रही है, मेरे हार्ड डिस्क के अंदर ना हार्ड डिस्क होती है वो रोटेट करती है वो मोटर से, कोई भी चीज जो रोटेट करती है सब मोटर से होता है, आप गाड़ी चला रहे हो मोटर से, सब कुछ। मोटर इज सो वाइडली यूज, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंस, ये हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस कैरी करती है इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत 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 जरूरी चीज है इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर इज वाइड एप्लीकेशंस, रोज आप कम से कम 50 से 60 मोटर के अक्रॉस आते हो।
कम से कम तो उतनी आती होगी। मैं ही अभी देखूँ तो, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे सामने एक फैन है, बाहर के रूम में एक फैन है, एचएस फैन है, जो भी फैन है, मेरा लैपटॉप है उसके नीचे भी एक फैन होगा, उसके अंदर भी एक फैन होता है लैपटॉप के अंदर, जो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। यहाँ पे मैंने हीटिंग कूलिंग पैड रखा है, उसके अंदर 3 फैन 5 फैन है, ये एक मेरे पास एक और कूलर है जो जो हवा सक कर रहा है लैपटॉप में से, उसमें एक फैन है। अभी मैं नीचे जाऊंगा, बाइक चालू करूंगा, बाइक के अंदर मोटर होगी, समझ में, मतलब मोटर है, सॉरी फैन नहीं है, इतने सारे मोटर में ये देख रहा हूँ, तो मेरी बाइक में मोटर है, कोई भी कार देखूंगा हर कार में मोटर होगा, कोई भी बाइक देखूंगा किसी बाइक में मोटर होगा, समझ में। मैं किचन में गया, ग्राइंडर लिया, कोई भी देखा उसमें मैग्नेट है, रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट होगा, होगा ही, हाँ होगा, जरूरी है भाई। ओवन देखा, माइक्रोवेवन, उसमें मैग्नेट है, अरे उसमें रोटर है, मोटर है, तो भाई हर किसी में मोटर होता है, मोटर इज यूज्ड सो वाइडली, ठीक है। आई होप कि आपको मोटर तक समझा पाए। यहाँ पे आपका MEEC के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है, MEEC के साथ आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं EMI। यस गाइस, वी आर डन विद MEEC, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी EMI। व्हाट इज MEEC? MEEC क्या था और EMI क्या है, उसको पहले जान लो, दोनों में डिफरेंस जान, ठीक है। चलो लुक हियर गाइस, MEEC का फुल फॉर्म था मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट मैग्नेटिक हुआ लेकिन किसकी वजह से हुआ, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कभी कभी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर है EMI, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये फुल फॉर्म है EMI का, EMI, MEEC, समझे बेटा। अभी इसमें MEEC में क्या होता है कि ना, कि जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली EMI क्या होता है बेटा, कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप थोड़ा सा वेरी करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप वेरी करोगे या चेंज करोगे तो उसके आजू बाजू में करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस होता है, समझ में आया। तो ये होता है EMI और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्क, मतलब करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बने तो उसको बोलते हैं EMI, अरे MEEC, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर करंट बने, क्योंकि वाइस वर्सा होता है, तो उसको बोलते हैं EMI, ठीक है। दोनों का यूज है, आप अपने घर में फैन यूज कर रहे हो तो आप यहां पे मोटर का यूज कर रहे हो, मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर में से करंट पास होगा, वो मूव करेगा, मूव करने की वजह से मोटर बनाया, अभी आपने देखा। लेकिन अगर मैं किसी चीज को मूव करूं और वो करंट बना दे तो वो होता है जनरेटर, समझ में आया। जनरेटर में क्या किया आपने पता है, वो टर्बाइन को घुमाया, करंट बना, उस करंट को भेजा, करंट मेरे घर पे आया, मेरे घर पे मैंने मोटर लगा दी, मोटर ने हवा दे दी मुझे, तो मैं जब भी मोटर यूज कर रहा हूं तो जनरेटर तो यूज कर ही रहा हूं ना अभी, समझ में आया। तो यहां पे आप इस चीज को समझ गए कि मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ MEEC, जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना इसको बोलते हैं MEEC, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना उसको बोलते हैं EMI, समझ में आया, इट इज क्लियर बेटा। अभी EMI क्या होता है उसको हम जानेंगे, आई होप कि मैं आपको समझा पाया इस चीज को यहां तक, ठीक है, क्लियर है।
दिस इज वेरी इजी। अभी ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से कि गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है। गैल्वेनोमीटर सेंस करता है करंट को, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को, और एमीटर मेजर करता है करंट को। गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता है, बट हम एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर से आगे के डायरेक्शन में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर ऐसा रीडिंग देगा, पीछे के डायरेक्शन में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर ऐसा रीडिंग देगा। लेकिन एमीटर में ना सिर्फ करंट जा रहा है तो वो वैल्यू दे देगा, उसको नहीं फर्क पड़ता कौन से डायरेक्शन में जाता है तो किधर, बताओ। तो गैल्वेनोमीटर का जीरो बीच में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, लेकिन एमीटर सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग से देता है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर लगाया जो करंट डिटेक्ट करेगा, यहां पे हमने कॉइल लगा दी, फिर यहां से ऐसे क्लोज कर दिया। तो बात ये है कि सर यार सेल लगाना तो भूल ही गए, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा सर? तो बेटा हम लाएंगे अभी हमारा मसीहा मैग्नेट, तो हम लेके आए हमारा यहाँ पे एक मैग्नेट, ठीक है? ये जो मैग्नेट है ना वो मैग्नेट ही हमारे काम का है, समझे? क्योंकि ये मैग्नेट की वजह से, ये मैग्नेट की वजह से अभी मैं इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट डिटेक्ट करूंगा। तो जरा देखिए कैसे होता है। ये हमारे पास रहा हमारा मैग्नेट, इस मैग्नेट को जब मैं इस कॉइल के अंदर या बाहर लेके जाता हूं, क्या आप मानते हो मैग्नेट जब भी होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो मैग्नेट ऑलवेज कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद इट। तो मैग्नेट आगे जाएगा, तो मैग्नेट आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, बढ़ रही है लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बाहर आएगा तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो इन दो चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या मैग्नेटिक फील्ड का कम होना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर करंट फ्लो करा देगी और हम अल्टीमेटली पाएंगे कि हमारा यहाँ पे गैल्वेनेटर में एक रीडिंग दिखा। समझ में आया? तो एक सिंपल सा है बेटा, जिस तरह से चार्ज के मूव करने पे करंट फ्लो, चार्ज के मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। समझ में आया? उसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ना डायरेक्शन देने के लिए एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं बेटा उसे? हम कहते हैं, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? दैट इज व्हाट, ए क्या है भाई? हाँ, ग्रेविटेशन में निमारे कर ले, तुम्हारा नहीं है। उससे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स, ओ क्या गंदा लिख रहा हूं यार, एसी का रिमोट। ओके, फ्लेमिंग्स, सॉरी, राइट हैंड रूल कहते हैं, लेफ्ट हैंड तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कहते हैं। व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटा, वो जरा देखो यहाँ पे। तो उसको जानते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड था ऐसे यहाँ पे राइट हैंड भी है। तो राइट हैंड की तीनों उंगलियां ले लो, तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अलाइन कर लो, ठीक है? अभी इसमें कौन क्या देगा वो मैं आपको समझा देता हूं। ये है हमारा थंब, थंब हमें फोर्स की जगह मोशन का डायरेक्शन देगा। ये है हमारा फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? आपको पता है अभी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेकेंड फिंगर है ये हमारा, ये आपको देगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है? सेकेंड फिंगर हमें करंट का डायरेक्शन देगा। तो सिंपल है, थंब मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो जैसे आपने लेफ्ट हैंड में एफ बी आई लिखा था, राइट हैंड में लिखिए एम बी आई, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट।
MBI जब आप लिखते हो है ना, MBI, तो आप लिखते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इसमें हम यही लगाते हैं। किसमें बेटा? तो अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। चलिए, तो बेटा ये है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले रहा हूं मैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए ऐसी है, इस डायरेक्शन में है, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो एकदम पैरेलल लाइंस में हो एक ही डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें मैंने एक वायर रखा है, हमारा ये जो वायर है वो ऐसा है, ठीक है, लेट से थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो ऐसा है, इसमें से करंट आई ऊपर जा रहा है, सॉरी करंट आई ऊपर नहीं जा रहा है, वो हमें निकालना है करंट किधर जाएगा, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगा रहे हैं ईएमआई में, ईएमआई में तो करंट ही इंड्यूस होता है ना, तो करंट हमें नहीं पता होगा। लेकिन लेट से कि मैं इस वायर को ऐसे मूव कर रहा हूं, समझ में आया? तो हम वायर को ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमें निकालना है कि इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। तो पहले मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, प्लीज उसको लिखिए, फिर इसके बाद आता है। वेन एवर देर इज अ कंडक्टर प्रेजेंट इन साइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेन एवर देर इज अ कंडक्टर प्रेजेंट इन साइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ दैट कंडक्टर विल इंड्यूस द करंट इन साइड इट, मोशन ऑफ दैट कंडक्टर विल इंड्यूस द करंट इन साइड इट। वापस बोल रहा हूं, आप लिखिए बेटा याद रखने के लिए, ठीक है। वेन एवर देर इज अ कंडक्टर प्रेजेंट इन साइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द कंडक्टर विल इंड्यूस द करंट इन साइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर करंट बनेगा। अभी वो करंट कैसा होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, वो हमें निकालना है। उसके लिए यूज करेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते बेटा, ठीक है। चलिए, तो एम बी आई, मोशन किधर हो रहा है, ऐसे, करंट किधर है पता, मोशन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ओ ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, करंट नहीं बनेगा, समझ में? मतलब ये क्यों नहीं बनेगा, उसके लिए अभी मतलब फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूला आपको नहीं समझा रहा इसलिए, बट मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, तो शायद मैं इसको समझा पाऊँ आपको अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैंने ऐसे लिए इसलिए, बट मैं आपको अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार पढ़ाया, अगर आप मेरे सेशन बैठे हो तो, क्रॉस मतलब इनवर्ड। वायर अभी भी हमारे पास इधर ही है, ऐसा ही है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो फो हम जो इसको ना मूव कर रहे हैं ऐसे, वी आर मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, मूविंग इट हियर, तो मोशन मैग्नेटिक फील्ड करंट, मोशन ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस, करंट कहाँ होगा, ऊपर, समझ में आया? करंट ऊपर है ना सेकंड फिंगर, इसलिए इसमें करंट फ्लो होगा ऊपर, समझ में आया कैसे अप्लाई किया मैंने? सिमिलरली आप एक और ऐसे अप्लाई कर सकते हो, डॉट मतलब होती है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अरे आउटवर्ड होती है, डॉट मतलब कैसी होती है, आउटवर्ड मैग्नेटिक, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। इसमें आपने वायर को रखा है लेट्स से कि ऐसे रखा है, ठीक है, अब वायर को ऐसे मूव कर रहे हो, तो लगाइए इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, राइट लेफ्ट कैसे, तो मोशन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मेरी तरफ होगी, करंट ऐसे होगा, नहीं समझा, मोशन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब मेरी तरफ, तो फर्स्ट फिंगर मेरी तरफ आ गई, करंट ऐसे होगा, तो इसलिए करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, समझे कि नहीं समझे? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन दिस पर्टिकुलर ईएमआई फैक्टर। आई होप कि मैं आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझा पाया। अभी एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अगर आप जानोगे तो आपका ही फायदा है, थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्मर और ये सब समझ पाओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ये एक हमारे पास लूप है, और यहाँ पे हमारे पास एक और लूप है, बट इस लूप में एक छोटा सा फर्क है, यहाँ पे इस लूप में हमने सेल दिया है और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर दिया है। सेल जो है करंट देता है, गैल्वेनोमीटर जो है करंट लेता है, लेकिन बीच में ना हमने कोई कनेक्शन नहीं रखा, मतलब ये जो रॉड है ना एक्चुअली सपोर्ट के लिए, और ये इंसुलेटिंग रॉड है, मतलब समझ लो प्लास्टिक का रॉड है। तो आप तो अभी पहली बार ये चैप्टर बिना टॉपिक के पढ़ रहे होते, तो आप बोलते सर क्या गधे हो, सर क्या पागलगिरी कर रहे हो, सर क्या पागल है, सेल लगाया इस सर्किट में, करंट मेजर करे इस सर्किट में, कैसे पॉसिबल है सर? लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पॉसिबल है।
तो यहां पे सेल लगाओगे तो यहां से करंट जाएगा, करंट जाएगा इस कॉइल के अंदर और यहां से निकलेगा। तो जब भी किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो आपको पता है कि उस वायर के अंदर क्या बन जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक्चुअली काफी ऐसी बड़ी बता सकता हूं मैं आपको, ऐसे ऐसे, तो अभी के लिए इतनी बड़ी नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड आपको। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ओ सॉरी यार, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट जोड़ के ना हमने दूसरी कॉइल रखी है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर 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 मैं सेल को, ये जो की है ना, उसको ऑन ऑफ बच्चे की तरह डिंग 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 ऐसा अगर करता हूं, तो इसमें ये जो करंट जा रहा ना वो भी डिंग 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 ऐसा करेगा ना, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, क्यों चालू बंद कर रहा हूँ ना। तो अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो डिंग 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 करेगी ना, नाचेगी भाई, बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब करंट बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जब करंट कम हो रहा होगा, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सॉलेनोइड इज डायरेक्टली ओपोजिट टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी करंट कम होगा। तो ये होता है, अगर ऐसा होने वाला है तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सर, वो बदल रही है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाजू में कॉइल प्रेजेंट है, जो कि हम बोलेंगे दिस कॉइल इज प्रेजेंट इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल के अंदर भी करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, और गैल्वेनोमीटर रीडिंग नोट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब आप एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराओ, उस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करते रहो, तो उस कॉइल में जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो बाजू वाली कॉइल में करंट अपने आप बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो चेंज होती रहती है, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी कॉइल प्रेजेंट है, उसमें आपको करंट दिखेगा, उसमें गैल्वेनोमीटर का रीडिंग दिखेगा। इसी फिनोमेना पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा, आप जब भी चार्जर खरीदते हो उसके साथ डब्बा फ्री में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता कभी, तो आईफोन में तो खरीदना भी पड़ता है, छोड़ो, लेकिन बात यह है कि आप इसको यूज करते हो ना, मेरा फोन चार्ज करने के लिए, मैंने कभी ऐसा आपने कोई पिन नहीं देखा, ये डाल दिया और चालू हो गया, ऐसा नहीं, क्या यहाँ पे मैं सीधा ऐसा 3 पिन डाल के नहीं कर सकता था, नहीं होता, क्यों, ट्रांसफॉर्मर लगता है इसके अंदर, ये जो मैंने आपको सामने डायग्राम दिखाया वो बैठा है। कैसे, तो बेटा मेरे घर पे ना 220 वोल्ट का पावर सप्लाई आता है, पावर सप्लाई के अंदर स्विच के अंदर, स्विच बोर्ड में, उस 220 वोल्ट से मेरा फोन चार्ज नहीं होगा, मेरे फोन को सिर्फ 5 वोल्ट ही चाहिए। तो ये चार्जर के अंदर एसी करंट आ रहा है जो 220 वोल्ट का है, मेरे को 5 वोल्ट ही चाहिए मेरा फोन चार्ज करने के लिए। लेकिन एसी करंट की खास बात है कि वो चेंज होता रहता है, ऑल्टरनेटिंग है ना, बदलता रहता, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। तो इसकी वजह से अगर मैं उसको यहाँ पे फ्लो कराऊं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, इसके इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ रही होगी कम हो रही होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में तो सेकंड वाला प्रेजेंट, इसमें करंट बन जाएगा और वो डीसी करंट बनेगा। ओ हो, डीसी बनेगा कि एसी बनेगा वो बात की बात है, क्योंकि उसके लिए एक और डिवाइस रखता है, रेक्टिफायर, बट आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके मिल जाएगा। सो दिस इज वेयर ईएमआई इज यूज्ड ट्रांसफॉर्मर, समझ में आया। अभी है राइट हैंड थंब रूल, ये क्या करता है बेटा, सारे रूल्स का डिस्टिंग्विश कर लो, राइट हैंड थंब रूल ये हम कहाँ यूज किए थे बताइए, हम यूज किए थे स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। इसमें बेटा ये जो है ना थंब, ये देता है करंट, थंब इज गिविंग यू करंट, फर्स्ट ये जो कॉर्ड फिंगर्स है वो आपको दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी ये है हमारा बेटा फ्लेमिंग्स, एक सेकंड, दिस इज व्हाट बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको आप एफबीआई से याद रख लो, ठीक है। ये हमने कहाँ यूज किया है, हमने यूज किया है फोर्स ऑन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर निकालने के लिए, याद करो, और इसको हमने यूज किया है मोटर में भी, मोटर मोटर हेलीकॉप्टर वाली मोटर, ठीक है। थंब देता है फोर्स, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
second finger gives you direction of current. ठीक है, तो ये है एफ एच आर. अभी हम करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने यूज कहां किया बेटा, ई एम आई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, कि कोई भी रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में इधर आगे पीछे आगे जो मूव कर रहा है, कैसे कहां डायरेक्शन फ्लो होगा वो बताया हमने. इसमें जो थंब है ना बेटा, थंब आपको दे, आप एम एफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को याद रख सकते हो एम बी आई करके, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मोशन मैग्नेटिक फील्ड करंट. अभी इसमें एफ जो है बेटा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, सॉरी एफ जो है वो मोशन का डायरेक्शन देगा, फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और सेकंड फिंगर जो करंट का डायरेक्शन देगा. ठीक है, याद रख लीजिए. तो बी और आई तो सेम ही है लेकिन फोर्स जहां होता वही मोशन होता है, तो फोर्स और मोशन एक ही बात है भाई, मान लेना. एक और चीज, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें मैक्सवेल ने दिया था, तो कभी कभी पूछते हैं कि किसने दिया था भाई बताओ, समझ में आया. फैराडे ने हमें ईएमआई दिया था, फैराडे ने हमें ईएमआई, सॉरी हाँ बराबर है. आपको साइंटिस्ट के नाम भी इसमें याद रखने चाहिए जिससे आपकी काफी मदद हो जाएगी और आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिलेगी. ठीक है, सबसे पहले आता है हेंस ऑरस्टेड. बताओ इसने क्या डिस्कवर किया, इसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया. उसके बाद है मैक्सवेल, इसने दिया राइट हैंड थंब रूल. उसके बाद है फ्लेमिंग, उसने दिया आपको दो लो दो रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, उसके बाद आपके पास है बेटा लेट्स से फैराडे. मैंने आपको फैराडेज लॉ बताया नहीं है, बट फैराडेज लॉ वही है जो ईएमआई समझा रहा था ना, कि वेन एवर देर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देर इज अ इंडक्शन ऑफ करंट. मैग्नेटिक फील्ड को बदलोगे करंट इंड्यूस होगा, उसी को फैराडेज लॉ बोलते हैं. फैराडेज लॉ सिंपल है, whenever there is a changing magnetic field there is a current induction of current in a wire. कभी भी magnetic field change होगी तो wire के अंदर current induce होगा. ठीक है, Faraday इसने EMI discover किया. ठीक है, याद रख लीजिए. तो बेटा इतने हैं हमारे पास scientist के नाम, important scientist है, mistake मत करिएगा. ठीक है, I hope कि आपको सभी को समझा. बेटा आज रात को आपको आना है मेरे lecture में. आज रात एक important सा session है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी. मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अगले महीने के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, और आपको टर्म टू का जो सैम्पल पेपर आया उसको भी सॉल्व कराऊंगा स्पेशल क्लास में टुडे एट 9 PM. सो यू जस्ट नीड टू अटेंड दिस क्लास. लाइव इंटरेक्शन होगी, आपसे हर एक से पर्सनली बात करूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पोल में आपको दूंगा, आप मुझे फोटो उसमें डाउट्स भी भेज सकते हैं और मेरे साथ लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना. और अगर आप टर्म टू को लेके कहीं पे भी थोड़ा भी वरीड है, टर्म टू में आपको मदद करने के लिए हमारे सारे के सारे एडुकेटर्स एकदम रेडी है. आप हमारे साथ प्लस पे जुड़ जाइए, सारे के सारे बैचेस में आप एनरोल कर पाओगे और आपको मिलेगा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना. सारे के सारे फीचर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ आपको, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ. और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 1250 का होता है. आप बोलोगे सर 12 महीना क्यों लेने का, सर अभी तो 2 महीने में एग्जाम है. अरे भाई 3 महीने का ले ले, नहीं तो ना 12 महीने का लेगा तो आप 11th का भी पढ़ोगे ना आगे जाके, तो कंटिन्यू हो जाता है वो आपके लिए, समझ में आया. सो आप 1250 rupees पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए. लेकिन आपको इतना पे क्यों करना है यार, इतना मेरा लेक्चर बैठता हूँ, यहाँ तक एंड तक आ चुके हो, फिर भी आपको डिस्काउंट नहीं लेना. TP10 कोड यूज करो, 10% फ्लैट डिस्काउंट पाओ, पाओ सेम सब्सक्रिप्शन एट द कॉस्ट ऑफ 1125 rupees पर मंथ. समझ में आया कि नहीं. तो आप ये क्लास 9 क्लास 10 देख रहे हो, कितने सारे एवरी मंथ नया नया बैच शुरू होता है, और ऐसा ही अगले मंथ के लिए मेरा बैच भी आ रहा है. तो प्रोडिजी ऐसे अगले मंथ मेरे बैच में भी आ जाइए, मजा आएगा आपको. लेकिन आपको अगर पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, वो गाइड्स यू, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानिंग, सारे बेनिफिट्स ऑन द प्लस, ऑन द आइकॉनिक. प्लस के बेनिफिट प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट, इसको बोलते हैं आइकॉनिक. 2333 rupees पर मंथ का होता है, और आप लोगे तो आपको TP10 कोड यूज करने पे 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और
आपको मिलेगी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मजा कर रहा हूँ, बट यस, हम अनअकैडमी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब अनअकैडमी प्रोडक्ट नहीं है सॉरी, बट अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आपकी लाइफ उतनी इंप्रूव होगी। नेटफ्लिक्स 10 मिनट यूज, 10 मिनट उस पर डाला, लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। अनअकैडमी 10 मिनट उस पर डाला, लाइफ इंप्रूव होगी। समझ में? अनअकैडमी इज वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल। 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, 3 महीने एक्स्ट्रा पाओ। 12 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 6 महीने एक्स्ट्रा, और आप भाई इतने सारे इनाम पा सकते हो। रैंक 1 के लिए मैकबुक है, रैंक 2-3 के लिए आईफोन, 4-5 के लिए आईपैड, और ये सारे प्राइसेस अप टू 100th रैंक, और 1 to 10 रैंक के लिए 100% स्कॉलरशिप, अप टू 500th रैंक कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप, 20 लाख का कॉलेज ग्रांट, ये सब आप पा सकते हो सिर्फ ये एग्जाम देकर। प्रोडिजी, प्रोडिजी में बेटा पार्टिसिपेट करें। 6 फेब और 13 फेब को भी होगी, ये दो तो हो गई, आपने अगर मिस कर दी आई एम वेरी मच सॉरी, बट TP10 कोड के इसमें पार्टिसिपेट करिए, और प्रोडिजी में मस्त में एकदम मजा डाली स्कॉलरशिप मिलेगी आपको बेटा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझा पाऊँ। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सेव करके रखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, इसके लिंक को सेव करके रखिएगा अपने पास प्लेलिस्ट में, ताकि एग्जाम के पहले इसको देखो, 1.5-2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाए। और अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो प्लीज उसको रिपोर्ट करिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन फॉर हेल्पिंग मी हियर एंड वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन। प्लीज इसको लाइक करें, आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, मैं भी आपके लाइक को और कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं आज रात को 9 बजे स्पेशल क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।